टू कंप्यूटर लैड चैनल, मैं मनोज कुशवाहा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक और एच लुकअप। तो चलिए शुरू करते हैं आकर के। जैसा कि मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में बताया था वी लुकअप में, कि ये आपका जो भी बड़ा डेटा होता है उसमें यूज़ होता है आकर के। अगर आपको कोई भी डेटा अगर वर्टिकली फाइंड करना होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये टेबल तो हुई है, तो अगर इसमें मान के चलो अगर मेरे पास कोई भी डेटा अगर वर्टिकली डेटा फाइंड करना है, तो वहाँ पे आकर के वी लुकअप का यूज़ करते हैं। अगर मेरे को कोई भी डेटा एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटली अगर फाइंड करना हो, तो वहाँ पे आकर के हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं आगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, एच लुकअप में एच का मतलब होता है हॉरिजेंटली और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ एच लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे आकर के हमारे पास सेम मार्कशीट वाली टेबल है आकर के, और छोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ एच लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं सिंपली में। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा यार कि वी लुकअप प्लस में एच कैसे होता है, वी लुकअप प्लस एच लुकअप कैसे होता है, वी लुकअप प्लस एच इंडेक्स कैसे होता है, और वी लुकअप के साथ में और बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं यार। तो सबसे पहले मैं आपको पहले एच लुकअप समझा देता हूँ यहाँ पर आके। तो यहाँ पर करना क्या है आपको यार, कि यहाँ पर आपको इज इक्वल टू यूज़ करना है यार। इज इक्वल टू के बाद में यहाँ पर आकर के आपको करना है यहाँ पर एच लुकअप। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे आकर के जैसे सिंटेक्स में यहाँ पे दे रहा है, सिंटेक्स में सेम सिंटेक्स आकर के लुकअप वैल्यू आ गई, यहाँ पे फिर जाकर के टेबल एरिया है, फिर यहाँ पे वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर होता है और यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर होता है। जैसा कि हम साथ क्या लेते जाते हैं, मुझे यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मैथ्स ले लिया, क्योंकि इस बार हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे आकर के हमारे हॉरिजॉन्टल वैल्यू है। यहाँ पे मुझे मैथ्स के प्रीति के मार्क्स जानने आ गए, तो यहाँ पे करना क्या है, लुकअप वैल्यू मतलब किसको ढूंढना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे लिया मैथ्स को सिलेक्ट कर लिया आगे। इसके बाद हमने यहाँ के लगा दिया कॉमा, टेबल एरिया में मतलब ये डेटा है कहाँ पे आकर के, किस टेबल में डेटा है, तो उस टेबल को सिलेक्ट करना है आगे। तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है आप करके, आप इसको ऐसे करके ड्रॉ करें, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं और कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके आप कीबोर्ड में डाउन की एंड राइट की क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करना क्या आगे, यहाँ पर लेंगे फिर यहाँ की कॉमा लगा दिया और यहाँ पर आएगा रो इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था मैथ्स लिया था और प्रीति का यहाँ पे चेक करना है, तो जहाँ से सेलेक्ट करते हैं वहाँ से ही काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ पे आकर के जो प्रीति है वो किस रो में आकर के। जैसे मैंने यहाँ पे लिया वन एंड टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, तो प्रीति हमारे फाइव नंबर पर आ रही, तो मैंने यहाँ डिजिट में फाइव टाइप कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया कॉमा, और मैंने आपको बताया था ट्रू जब लेते हैं जब आपका जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा होता है, और फॉल्स जब लेंगे जब आपका टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा हुआ। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, जीरो लेना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे 69 नंबर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आकर के आपका मैच दिया हुआ है, और यहाँ पे ये अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में डेटा लिया है, तो यहाँ पे आकर के इसने ऐसे सर्च किया हुआ कि जैसे यहाँ पे आकर के इसको मैच मिल गया, उसके बाद में आकर के रो इंडेक्स नंबर फाइव कदम, जैसे एक तो अपने आप को गिन लेगा, ये वन हो गया, ये टू, थ्री, फोर एंड फाइव, तो प्रीति के मार्क्स 69 है मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पर 69 लेके आ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये मैथ्स का दिखा रहा था, वो मैथ्स के अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे ये टाइप किया, मैंने गलत टाइप कर दिया SST, तो यहाँ पे आकर के आपका ये एरर दे देगा, आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए तभी आकर के आपका ये आंसर देगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया ये SST यहाँ पर टाइप किया, और इस समय आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के SST यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, क्या वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तो जाकर के आपका ये आंसर लेके दे देगा, और नहीं मैच कर रहा होगा तो जाकर के आपको ये एरर दे देगा आगे। तो इसी प्रकार जाकर के हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं आगे। वी लुकअप में और एच लुकअप में अंतर सिर्फ इतना सा होता है, वी लुकअप क्या करता है डेटा को वर्टिकली फाइंड करता है, और एच लुकअप क्या करता है हॉरिजॉन्टली फाइंड करता है आगे। यहाँ पर तो ये आपका एच लुकअप का यूज़ करके मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें।